स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको पीरियाडिक टेबल जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उस चैप्टर के कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, जो कंपटीशन में रिलेटेड हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और कुछ बहुत खास पॉइंट एक बार फिर से आपके सामने इस चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ी हैं, एटॉमिक रेडियस पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा। यहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई कुछ लोगों को, कहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वन बाय वन निकलती है वो कैसे वैरी करती है, यहां पे दिक्कत आई। इससे रिलेटेड इस लेक्चर में मिलेगा। पहले क्वेश्चन फिर टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बताना है तीन आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है, इन तीनों में से कौन सी किस एलिमेंट की है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। हम कैसे डिसाइड करें इन तीन में से कौन सी किसकी है, ज्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी, ये चीज हम कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड। हेलो स्टूडेंट्स, पीरियाडिक चैप्टर पीरियाडिक टेबल आप पढ़ चुके हैं, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेकर आपके सामने एक बार फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करते रहिए। कमेंट बहुत जरूरी है, इससे फीडबैक मिलता है। तो हमको पढ़ना क्या है, कहां पे दिक्कत है, तीन टॉपिक हैं जहां आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, बाद में पॉइंट टू रिमेंबर में एक बार फिर से समरी निकालेंगे। ये तीन आयनाइजेशन एनर्जीज हमको दी गई है, तीनों आयनाइजेशन एनर्जी में हमको ये बताना है कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट की है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही निकलेगा। तो यहां पे तीन आयनाइजेशन एनर्जी है, एक दी हुई है 520, एक दी है 890 और एक दी हुई है 2372। यानी कि एक दिख रही है बहुत कम, एक उससे ज्यादा और एक सबसे ज्यादा। हम कैसे डिसाइड करें कौन सी एलिमेंट की। अब देखिए, पहले नंबर पे लिथियम है, हाइड्रोजन है, बोरान है, हीलियम है। इतनी ज्यादा अगर है आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब हम किसी स्टेबल सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो ही इतनी ज्यादा एनर्जी हमको मिल सकती है, और सबसे कम एनर्जी तब मिलती है जब वैलेंस सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन हो तो सबसे कम मिलेगी, यानी सेकेंड नंबर पे भी हमको पता चल रहा है। एवरेज वाले से हम कोई आइडिया नहीं लगा पाते, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दो है या तीन है। हमारा आंसर या तो यहां से निकल सकता है या यहां से निकल सकता है। अब पहले नंबर पे लिथियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं है। हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन होता है, जिसका वैलेंस सेल कंप्लीट हो। इन तीन का कंप्लीट नहीं है, लेकिन हीलियम का कंप्लीट है, डुप्लेट और दो इलेक्ट्रॉन, यानी ये एनर्जी किसकी है, हीलियम। सबसे कम किसकी, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। बेरिलियम में दो हैं, हीलियम में दो हैं, कार्बन में चार हैं और लिथियम में एक है। जहां वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, वहां सबसे कम एनर्जी, वो इजिली लूज कर जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही निकला डी। अब यहां पे कुछ बातें हम आपके सामने रखेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। हमारा ये वैलेंस सेल है,
और इस वैलेंथ ये सॉरी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये सेल्स बनी हुई है। हमने तीन सेल बनाई, इन तीनों सेल्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तीनों सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते समय जितनी एनर्जी दी जाएगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते समय जो एनर्जी दी जाएगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमको इन आयनाइजेशन एनर्जी से क्या पता चल सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको समझाते हैं। जैसे यहां पे जो दिया है यही ले लेते हैं, लिथियम 2.1, हमारे पास बेरिलियम है 2.2, और हमारे पास बोरान भी है 2.3। हम इन तीन एग्जांपल से आपको समझाते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, इन चारों का वेरिएशन देखते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी अगर एक्स है, इसकी एक्स है तो इस एक्स से कुछ ज्यादा इसकी होगी वाई, और इसकी आएगी जेड, और जो सीक्वेंस होगा जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, यानी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। वाई है कब? जब दो, यानी उससे ज्यादा, तीन उससे ज्यादा, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ता है। अच्छा, अब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वैलेंस सेल में कुछ बचा नहीं, अब सेल बदल गई, अब पेनल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जब पेनल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे थाउजेंड्स, कम से कम हजार का डिफरेंस या हजार से भी ऊपर एनर्जी का डिफरेंस नजर आएगा। ये जो हजारों में एनर्जी का डिफरेंस आता है ये बताता है कि हमारा जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट सेल यानी कि किसी अदर सेल से निकला है, यानी सेल जब चेंज होगी तो उस समय एनर्जी का अमाउंट तेजी से बढ़ेगा। यहां पे जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वाई प्लस 500, 400, 300 जूल के आसपास एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हंड्रेड्स में एनर्जी बढ़ेगी, और यहां भी ऐसे ही एनर्जी हंड्रेड्स में बढ़ेगी। अब यहां पे जो I3 आएगा, अब हंड्रेड्स में एनर्जी का डिफरेंस आएगा क्योंकि फर्दर सेम सेल से निकल रहा है। थर्ड एनर्जी में डिफरेंस यहां आएगा, थाउजेंड्स में डिफरेंस क्योंकि दोनों निकल गए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है पेनल्टीमेट सेल से, और इसमें थाउजेंड में डिफरेंस कब आएगा? जब चौथा इलेक्ट्रॉन। इससे हमको ये पता लग जाता है कि हमारे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जिस स्टेप पे थाउजेंड्स में डिफरेंस नजर आए, 2000, 4000, 5000, जैसे थाउजेंड्स में डिफरेंस आए एनर्जी में, यानी कि उस स्टेप पे आप रुक जाओ, उससे पहले के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितनी एनर्जी निकली है उतने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। और हमेशा ध्यान रखना जो पहली आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये दूसरे से कम होगी, दूसरी वाली तीसरे से कम होगी, तीसरी वाली चौथे से कम होगी, यानी हर अगली आयनाइजेशन एनर्जी अपने पिछले वाले से ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी का था। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पीरियाडिक टेबल में पीरियड का जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पीरियड का नंबर अब याद आ रहा होगा आपको, मैंने आइडेंटिफिकेशन जब पढ़ाया था तो यहां पे एन, यही बताया था ना, एन और यहां पे जेड और यहां पे एम, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आता है। एन की जगह पे जो नंबर लिखा होता है यही पीरियड का नंबर होता है, और M की जगह पे जो संख्या लिखी होती है इससे हम ग्रुप फाइंड करते हैं, और जो Z लिखा होता है Z एक एलिमेंट है। अब ये पीरियड का नंबर है और यही नंबर क्वांटम नंबर में क्या शो करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
यही शो करता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है लेकिन यहां जोड़ दिया गया, हमें पिछला याद रखना है, भूलना नहीं है। तो एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एटॉमिक नंबर? नहीं, क्यों? एटॉमिक नंबर में हमने ये सिंबल बनाया था। एजीमुथल क्वांटम नंबर? नहीं, क्योंकि वो नोड की संख्या है, यानी वो हमको पता चले सबसेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब सबसेल, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सेल, और सेल और पीरियड एक दूसरे से कोरिलेट है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, तीन आयन आपके सामने लिखे। अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो उसकी रेडियस बढ़ जाती है, और किसी से निकल जाए तो उसकी घट जाती है। यानी कि मैंने दो पॉइंट बताए थे कि किसी भी कैटायन की रेडियस उसके पैरेंट एटम से कम होती है और एनायन की रेडियस उसके पैरेंट एटम से ज्यादा होती है। एनायन की रेडियस पैरेंट एटम से ज्यादा और कैटायन की रेडियस पैरेंट एटम से कम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द रिएक्शन विल नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। चार रिएक्शन आपके सामने लिखी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी, किसमें सबसे ज्यादा नीड पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब देखो, सोडियम का कॉन्फिगरेशन होता है 2, 8, 1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हमको बनाना है 2, 8, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम होता है 2, 8, 2, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम प्लस दिया है, यानी 2, 8, 1, इससे बनाना है 2, 8, 8। पोटेशियम का होता है 2, 8, 1, और यहाँ पे हमको दिया है जो गिवन जो है वो है 2, 8, और इससे बनाना है 2, 7। और लास्ट में कार्बन है 2, 4, और यहाँ पे हमको जो दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 2, 2 है और इसे बनाना है 2, 1। अब बताना आपको यह है सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी। हमने बताया था जहां पे सेल चेंज होती है वहां पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी। यहां देखो क्या है, सेल चेंज नहीं हो रही, पहली सेल से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, निकल रहा ना, लास्ट में वन है, लास्ट में वन है, लेकिन इसका वैलेंस सेल कंप्लीट है, इसका वैलेंस सेल कंप्लीट है, बाकी किसी का वैलेंस सेल कंप्लीट नहीं है। अगर वैलेंस सेल कंप्लीट है तो कंप्लीट वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। इस तरह से आप जब लिख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चार क्वेश्चन आपके सामने आ गए, टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, एक आयन है M+2 और इसका क्या दिया है हमको, ये मेटल है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज का। फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज होती है 3D सीरीज, ठीक है। इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कह रहे हैं, तो ये एटम कौन सा हो सकता है। M+2 आयन है Derived from a metal in the first, यानी कि ये जो M+2 है ये M से derive किया गया है, और ये M जो है ये 3D सीरीज का एक एलिमेंट है। 3D सीरीज में हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 10 हैं। इन 10 में से कोई एक है जो ये बना रहा है, और ये भी कह दिया कि इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन कहां हो सकते हैं, 4s2 3d4, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम को हम लिखते हैं 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसी से निकाल के 4s0 कर सकते हैं और 3d4 कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते, यानी कि गिवन M क्या है, M इज द
क्रोमियम, सिक्स। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको दी गई है, और निकालना क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन टू। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यहां हम आपको कुछ नहीं बताने वाले, ये फार्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हो। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन ए एम जी ए एल एंड एस आई आर इन द ऑर्डर, हमको इनके ऑर्डर बताना है। आपके सामने में कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूं, ये सोडियम है, सोडियम 2.8.1, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2.8.2, एल्युमिनियम 2.8.3 और सिलिकॉन 2.8.4। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास होगी, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन से ज्यादा कहां होगी, सिलिकॉन से कम कहां होगी, एल्युमिनियम के पास। अभी जो आपको समझ में आ रहा है, एल्युमिनियम से कम कहां होगी, मैग्नीशियम के पास, और मैग्नीशियम से कम कहां होगी, सोडियम के पास। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये मैंने वहां बोला था कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से ज्यादा होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि जब इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में जो आएगा वो आएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, एस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट आएगा। इसका मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सोडियम। अगर मैग्नीशियम बीच में रखना है तो ये इधर को आपको सिंबल लगाना पड़ेगा, तब ये सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यही बात फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप के लिए भी लागू होती है। आठवां और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ पॉइंट टू रिमेंबर आपके सामने आएंगे। एक एलिमेंट है जिसके कॉन्फिगरेशन है NH2NP1, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल द फार्मूला ऑफ नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, NH2 और NP1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, NH2 NP1, तो चाहे 2s2 2p1 ले लो, चाहे 3s2 3p1 ले लो, चाहे 4s2 4p1 ले लो, इसके वैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन। तो फिर इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी है, तीन, इसकी दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या बना, M2O3। अब वो एक्स एलिमेंट है तो फॉर्मूला H2O3। हम इस तरह से क्वेश्चन करते जाएंगे। कुछ पॉइंट्स रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें हम आपके सामने वही दो तीन बातें रख रहे हैं जो आप भूल गए हो, जो आपको दिक्कत हो रही है, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड डिस्कशन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। सिग्मा को हम कहते हैं, यहां पे सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो जेड इफेक्टिव लिखा है, इससे आप परेशान इसलिए हो कि समझ नहीं आ रहा है जेड इफेक्टिव है क्या। जेड इफेक्टिव एक्चुअली हमको दिखाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल कितना है, न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल कितना है, ये हमको दिखाता है जेड इफेक्टिव। अब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे मेजर कर सकते हैं, आपको एटम बना के ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हमारे पास है
न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस से बेटर हम आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन ही ले लें, वो ज्यादा बेटर आपको समझ आ जाएगा। हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं क्लोरीन। अगर हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो 17 होता है, 17 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन। अब इसमें क्या होगा, अगर हम सेल बनाएं तो इसके बाहर ये एक सेल, दूसरी सेल और ये तीसरी सेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इससे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इतना जरूर पता हो रहा है कि इन दो सेल के बीच में रिपल्सन लगेगा, क्योंकि यहां भी निगेटिव चार्ज है, यहां भी निगेटिव चार्ज, और इसी रिपल्सन को हम क्या कहते हैं, सिग्मा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग भी इसका नाम है और इसका नाम शील्डिंग भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हमको देखना क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं अगर हमको निकालना था सिर्फ n s2, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसका है, हीलियम का। अगर हीलियम के लिए हमें z इफेक्टिव निकालना होता तो इसके लिए z इफेक्टिव जानते हैं कितना आएगा, इसके लिए z इफेक्टिव जो आएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3, यानी कि 0.7। इसका मतलब 1s के हर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ 1s इज इक्वल टू 0.3। इसी तरह से सिग्मा फॉर अदर वैलेंस सेल, वो चाहे S हो, P हो, D हो और F हो, इसके लिए वैलेंस सेल के लिए ये वैल्यू हो जाती है कितनी, 0.35 हो जाएगी, 0.35। और ये वैलेंस सेल का मतलब समझ रहे हैं, यहां पे वैलेंस सेल सिर्फ P नहीं है, यहां पे वैलेंस सेल का मतलब ये थर्ड पूरा लिया जाएगा, वैलेंस सेल का मतलब थर्ड पूरा लिया जाएगा, ये नहीं खाली 3p ले लिया, 3p तो सबसेल है, मैंने यहां लिखा है वैलेंस सेल। इसके बाद फिर पेनल्टीमेट सेल, सिग्मा फॉर पेनल्टीमेट सेल, वो कोई भी हो, S हो, P हो, D हो या F हो, इसके लिए वैल्यू होती है 0.85। और इसके बाद जो रिमेनिंग अंदर कोर में जितने भी बचे हैं, रिमेनिंग के लिए सिग्मा होता है 1.0। अब सारे इलेक्ट्रॉन का सम कर लो और एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो, वैल्यू निकल आती है। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हमारे पास देखिए कितना आएगा, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस ये 5 इलेक्ट्रॉन और 2 7, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन किनारे करिए, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे ही तो निकालेंगे कितना रिपल्सन बन रहा है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 बचे और 6 × 3.5 इधर मल्टीप्लाई करते जाए, 6 × 0.35 कितना हो गया, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 21, 2.10, यानी कि ये हो गया 2.10 प्लस। अब अंदर कितने, 8, यानी कि 8 × 0.85 करिए, अब ये हो गया 40 और ये हो गया 8 × 40, 8 × 64 = 68, 6.8 प्लस 2 सीधे सीधे ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, 17 − 8 = 10, 8 और 1 = 9, 6 × 2 = 8 और 2 = 10, 10.9, यानी कि ये बचा कितना, 6.1।
ये जेड इफेक्टिव इतना न्यूक्लियर यानी अट्रैक्शन का जो बल्क निकल के आया वो ये निकल के आया। इस तरह से आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। ये है आपके इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर हाल में तैयार करने हैं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछते जरूर है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके सामने नाइट्रोजन को लेकर के कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाइयर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, व्हाई? ये दो क्वेश्चन आपके लिए। ये टॉपिक में ही एंड होता है, चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आपके लिए जल्दी ही आने वाला है। तैयार हो जाइए, इसको देखते रहिए। थैंक यू।